मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज 29 अगस्त 2024 गुरुवार का दिन और हिंदू तिथि भाद्रपद माह की एकादशी है। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर, शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर से रेप मर्डर केस के 20 दिन बाद बुधवार को पहली बार बयान दिया। न्यूज एजेंसी पीटीआई को दिए इंटरव्यू में राष्ट्रपति ने कहा कि मैं घटना को लेकर निराश और डरी हुई हूं। मुर्मू ने कहा, बस बहुत हो गया, कोई भी सभ्य समाज अपनी बेटियों और बहनों पर इस तरह के अत्याचारों की इजाजत नहीं दे सकता। जब छात्र, डॉक्टर और नागरिक कोलकाता में विरोध कर रहे थे तो दूसरी तरफ अपराधी सक्रिय थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महिलाओं के खिलाफ अपराध को लेकर समाज को झकझोरा है। उन्होंने ऐसी वारदातों पर अपनी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा, निर्भया कांड के बाद 12 वर्षों से अनगिनत बलात्कारों को समाज भूल चुका है। यह सामूहिक भूलने की बीमारी बेहद ही अप्रिय है। आगे बढ़ते हैं देश की एक और बड़ी खबर। देश में जोधपुर, आगरा समेत 12 औद्योगिक स्मार्ट शहर बनेंगे। वहीं मोदी सरकार ने 10 राज्यों में 28,000 करोड़ की स्कीम को मंजूरी दी है। 40 लाख नौकरियां मिलेगी। इसके अलावा 10 राज्यों में 6 कॉरिडोर बनेंगे। पीएम मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने बुधवार 28 अगस्त को इसकी मंजूरी दी है। और बड़ी खबर यह भी है, 234 शहरों में निजी एफएम रेडियो को भी सरकार ने मंजूरी दी है। इन शहरों में अभी तक एफएम रेडियो की सेवा नहीं थी। इसके अलावा सरकार ने कनेक्टिविटी में सुधार करने के लिए 8 रेलवे परियोजनाओं को भी मंजूरी दी है। वहीं सरकार ने ऐलान किया है, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 योजना को मंजूरी दी गई है। योजना के तहत 3,60,000 करोड़ रुपए की लागत से 3 करोड़ नए घर बनाए जाएंगे। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट में लिए गए फैसलों की जानकारी दी है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं राजस्थान से बहुत बड़ी खबर। विधानसभा उपचुनाव से पहले भजनलाल सरकार की कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की ग्रेजुएटी को 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख कर दिया है। बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में सरकार ने कर्मचारियों के प्रमोशन को लेकर भी कई बड़े फैसले लिए हैं। अभी तक क्लर्क और चतुर्थ वर्ग कर्मचारी को प्रमोशन का लाभ नहीं मिलता था। अब कैबिनेट ने इन कर्मचारियों को भी प्रमोशन देने का ऐलान किया है। इसके अलावा 2 से ज्यादा बच्चों वाले कर्मचारियों को भी पदोन्नति देने के लिए कैबिनेट ने मंजूरी दी है। कैबिनेट ने प्रदेश में बिजली उत्पादन को भी बढ़ावा देने के लिए सौर ऊर्जा के लिए अलग अलग कंपनियों को जमीन आवंटन करने का भी निर्णय लिया है। अडानी सहित 4 कंपनियों को जमीन आवंटित होगी। प्रदेश के अलग अलग जिलों में जमीन आवंटन करने का फैसला सरकार ने किया है। इसके साथ ही राज्य सरकार ने पेंशनधारी कर्मचारियों को भी मेडिकल सुविधाओं में इजाफा किया है। पेंशनर्स को RGHS में 20,000 की जगह 30,000 रुपए तक की आउटडोर सुविधा मिलेगी। आगे बढ़ जाते हैं राजस्थान से बड़ी खबर। गहलोत राज के आखिरी 6 महीनों में लिए गए फैसलों को भाजपा सरकार बदलने की तैयारी कर रही है। इनमें जमीन आवंटनों से लेकर वित्तीय गड़बड़ियां सामने आई है। फैसलों के रिव्यू के लिए बनी कमेटी सब कमेटी अक्टूबर के पहले सप्ताह तक रिपोर्ट सौंपने की तैयारी में है। हेल्थ मिनिस्टर गजेंद्र सिंह खींवसर की अध्यक्षता में मंगलवार को सचिवालय में हुई कैबिनेट सब कमेटी की बैठक में गहलोत राज के बड़े फैसलों का रिव्यू किया गया। विभागों से कई फैसलों पर बिंदुवार रिपोर्ट मांगी है। 29 अगस्त को फिर बैठक होगी। बड़ी खबर यह है, गहलोत राज के दौरान जो आखिरी 6 महीनों के लिए कई बड़े फैसले लिए गए थे उनको भाजपा सरकार बदलने की तैयारी कर रही है। आगे बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर। ऑपरेशन अलर्ट के दौरान सेना का ट्रक खाई में गिर गया। इसमें 3 जवान शहीद हो गए। इनमें एक जवान बाड़मेर राजस्थान जिले के रहने वाले थे। हादसा 27 अगस्त को अरुणाचल प्रदेश में हुआ। बाड़मेर जिला मुख्यालय से करीब 95 किलोमीटर दूर हरसाणी गांव के रहने वाले हवलदार नखत सिंह, जिनकी उम्र महज 34 साल थी, 2010 में ही वह सेना में भर्ती हुए थे। इनके 2 छोटे बच्चे भी है। इन्होंने अरुणाचल प्रदेश में कर्तव्य की पंक्ति में सर्वोच्च बलिदान दिया है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर। गुजरात में भारी बारिश के कारण पश्चिमी रेलवे के वडोदरा मंडल पर ट्रैक पर पानी भर गया है। इस कारण उत्तर पश्चिमी रेलवे से चलने वाली 12 ट्रेनों को कैंसिल करना पड़ा है। आज 29 अगस्त को भी बांद्रा टर्मिनस जयपुर रद्द रहेगी, बांद्रा टर्मिनस जोधपुर भी रद्द रहेगी और बांद्रा टर्मिनस बीकानेर भी 29 अगस्त को रद्द रहेगी। दिल्ली सराय बांद्रा टर्मिनस भी 29 अगस्त को रद्द रहेगी। इसके अलावा नाथद्वारा ओखा भी 29 अगस्त को रद्द रहेगी। बड़ी अपडेट आपके लिए यह है, अगर आपके परिवार में से या आप कोई गुजरात जाने की सोच रहे हैं तो पूरी जांच पड़ताल करके ही घर से निकलेगा, क्योंकि वहां पर भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं।
कई ट्रेनें रद्द हो गई है, कई सड़क मार्ग भी टूट गए हैं। फिलहाल अभी कोई बिना जांच पड़ताल के लिए गुजरात के लिए निकलता है तो उसको बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि गुजरात के 13 जिलों में पिछले 24 घंटों के दौरान 200 मिलीमीटर से अधिक बारिश हुई है। 18 जिलों में बाढ़ के हालात है। 5 जिले राजकोट, आणंद, मोरबी, खेड़ा, वडोदरा और द्वारका में सेना को तैनात करना पड़ा है। गुजरात में बाढ़ बारिश के चलते पिछले 3 दिनों में 15 लोगों की मौत हो गई है। 23,000 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। 50 ट्रेनें रद्द कर दी गई है और कई जिलों में स्कूल और कॉलेजों की छुट्टियां चल रही है। और आज गुरुवार को भी सौराष्ट्र और कच्छ में बेहद भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी कर रखी है। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर, बिजली उपभोक्ताओं को एक बार फिर फ्यूल सरचार्ज का तगड़ा झटका लगेगा। डिस्कॉम ने करीब 5,000 करोड़ रुपए वसूलने की तैयारी कर ली है, जो सितंबर के बिल में शुरू हो जाएगी। इससे अडानी को फ्यूल के लिए दिए करोड़ों रुपए की वसूली यानी स्पेशल फ्यूल सरचार्ज की गणना 23 माह बाद बदल दी गई है। जनवरी से मार्च की बजाय पूरे साल भर में बिजली खपत के औसत यूनिट के आधार पर सरचार्ज निकाला जाएगा। इससे ज्यादातर घरेलू उपभोक्ताओं पर भार पड़ेगा। ऐसे उपभोक्ता भी होंगे जिन्हें पैसा लौटाना भी पड़ेगा। इसके अलावा पिछले साल के बकाया फ्यूल सरचार्ज के रूप में करीब 4400 करोड़ रुपए वसूलने के भी आदेश जारी कर दिए हैं। इसके लिए 13 पैसे प्रति यूनिट कई माह तक लिए जाएंगे। वहीं बेस सरचार्ज को भी 54 पैसों से बढ़ाकर 57 पैसे प्रति यूनिट कर दिया गया है। ऐसे में 3 पैसे यूनिट यहां भी बढ़ोतरी की गई है। हालांकि कृषि और 200 यूनिट से कम उपभोग वाले उपभोक्ताओं की राशि सरकार वहन करेगी, यानी कि जो लोग 200 यूनिट से कम उपभोग करते हैं ऐसे उपभोक्ताओं को फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इनकी राशि सरकार खुद वहन करेगी। आगे बढ़ते हैं, यह खबर आपके लिए बेहद काम की है। देखिए, आजकल हर छोटे से लेकर बड़े प्रोग्राम में लोग डीजे लेकर आ जाते हैं, लेकिन यही डीजे कई बार जान पर बन आता है। बालोतरा के सिवाना में नाचते गाते हुए चल रहे एक धार्मिक जुलूस में उस वक्त मातम छा गया जब जुलूस में डीजे की धुन पर नाच रही एक महिला के कपड़े डीजे के आगे लगे जनरेटर में फंसने से मौत हो गई। महिला का सिर जनरेटर के पंखे में फंस गया, जिससे उसके बाल, चमड़ी सहित उखड़ गए। हादसे के बाद मौके पर कोहराम मच गया। आनंद फानन में महिला को नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। बाद में उसे बालोतरा जिला अस्पताल में रेफर किया गया, जहाँ उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। वैसे आपको बता दूं, आजकल यह जो डीजे का प्रचलन है ये काफी खतरनाक है। तेज आवाज से कई लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, उनकी धड़कन बढ़ जाती है। ऐसे में दिल के मरीजों को इससे काफी तकलीफ होती है। कई लोगों के कान बहरे हो जाते हैं और सिर दर्द करने लग जाता है। अच्छा, बड़ी जानकारी आपको यह भी दे दूं, विशेषज्ञों का कहना है कि 85 डीबीए या इससे अधिक की कोई भी ध्वनि की आवाज लगातार सुनने से कानों की क्षमता कमजोर हो जाती है और कानों को भारी नुकसान पहुंचता है। वहीं आजकल जो हम डीजे लेकर आते हैं उसकी आवाज 100 डेसिबल या इससे अधिक होती है, जो काफी नुकसानदायक होती है। तो देखिए, उत्सव वगैरह मनाइए लेकिन पारंपरिक तरीके से, जैसे डीजे की जगह आप बैंड को चुन सकते हैं या फिर वाद्य यंत्र बजाने वाले कलाकारों को बुला सकते हैं। आगे बढ़ जाते हैं, राजस्थान के मौसम से जुड़ी बहुत बड़ी अपडेट है। पूर्वी राजस्थान के अधिकांश भागों में अब भारी बारिश की गतिविधियों में कमी आ गई है। अब अगले 24 घंटों के दौरान भरतपुर, जयपुर, उदयपुर संभाग में कहीं कहीं पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश होने की संभावना है। हालांकि देखा जाए तो कल बाड़मेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, यहाँ के कई इलाकों में अच्छी बारिश हुई है, लेकिन अब बारिश की गतिविधियों में काफी कमी आ जाएगी। 30 अगस्त और 1 सितंबर को केवल छिटपुट स्थानों पर ही हल्की बारिश होने की संभावना है। उसके बाद 2 सितंबर को एक बार फिर कोटा, उदयपुर और भरतपुर संभाग के कई स्थानों पर बारिश की गतिविधियां एक बार फिर बढ़ेगी। कहीं कहीं पर भारी बारिश होने की भी संभावना है। अच्छा, आज 29 अगस्त को जोधपुर और बीकानेर संभाग के भी कुछ भागों में हल्की से लेकर मध्यम बारिश होने की संभावना है, लेकिन पश्चिमी राजस्थान में 30 अगस्त से 3 सितंबर के दौरान पश्चिमी राजस्थान के अधिकांश भागों में मौसम साफ रहेगा। केवल 1-2 स्थानों पर ही हल्की बारिश होने की संभावना है। यही थी आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।